हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का वर्कशीट। तो बच्चों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखना। तो आज हम आपको हर चीज़ चित्र के माध्यम से, जो भी चीज़ बताऊँगा चित्र के माध्यम से बताऊँगा। तो बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको इंग्लिश में, यानी कि जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी, इसमें हम आज हम आपको व्यंजन और स्वर, यानी कि हमारा ए से ले तक जेड तक जो हमारे ए बी सी डी होते हैं, उसमें स्वर कितना होता है और व्यंजन कितना होता है, कौन कौन से स्वर होते हैं, आज हम सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन की पहचान करने के लिए हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसी हाथ के चारों तरफ हम क्या बनाते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इसी हाथ के चारों तरफ क्या करते हैं, अपनी पेन को घुमाते हैं। यानी कि इस तरह से हमारा इसमें जो फिंगर छपेगा, तो इसी तरह से हम आपको क्या बताएँगे, स्वर और व्यंजन। तो देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी कॉपी पर हाथ रख के उसके चारों तरफ क्या करेंगे, अपनी पेन से इसको घुमाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉपी से रख कर अपने पेन से क्या किया, हमने अपने हाथों को इस तरह से खींच लिया, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से हम क्या किए, एक आकार दे दिया मैंने किसका, उंगली का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्या एक आकार हो गया, एक फिंगर यानी कि उंगली का आकार हमारा दिख गया। तब क्या करेंगे हम इसको, ये रियल फिंगर नहीं है बच्चों, एक तरह का ड्राइंग है। तो आप बस इसको समझिए, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको, और बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो इस तरह से क्या करेंगे हम बच्चों, इस तरह से हम अपनी उंगली को बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए किसी भी तरह का, इस तरह से हमने क्या किया, एक ड्राइंग बना लिया। अब क्या करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे हम आपको कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन और वावेल यानी जिसको कहते हैं स्वर, कैसे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारी कुल कितनी उंगलियाँ हैं, पाँच हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि कुल कितनी उंगलियाँ हमारी, पाँच उंगली है। अब क्या करते हैं, इस उंगली के साइड में हम क्या करते हैं, अपना व्यंजन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं, ए होते हैं, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और लास्ट में क्या होता है, यू होता है। यानी कि क्या होता है हमारा, ए ई आई ओ यू, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, पांच क्या होते हैं, व्यंजन हो, सॉरी पांच स्वर होते हैं। और हमारी कितना क्या होता है, अब हम आते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चों, हम क्या करेंगे, इसी उंगली के हाथ के अंदर हम क्या ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है बच्चों, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा ए से लेट तक जेड तक क्या हुए, हमारी ए बी सी डी हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा इसी ए बी सी डी में, यानी कुल हमारी कितनी है, 26 है। इसी ए बी सी डी में हमारा पांच क्या होते हैं, स्वर होते हैं यानी वावेल। तो हमारा क्या होता है, ए होता है, ई आई ओ, और हमारा लास्ट में क्या होता है, यू। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, पांच क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको अलग कर दिया। इस तरह से आपको समझने में एकदम आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था एक कला के माध्यम से आपको समझाना कि यानी कि हमारे क्या होते हैं। यहाँ देख लीजिए, ए ए ई आई ओ, और इस तरह से हमारे क्या हो गई, यू हो गई, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमारे क्या हो गई, ये हमारा क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। और स्वर को निकाल के हमारा क्या बचता है,
व्यंजन यानी कि हमारी ये कितनी है, 5 है। उसके बाद हमारा व्यंजन कितना होता है, 21 होता है। यानी कुल मिलाकर कितने होते हैं, कुल मिलाकर हमारा कितने होता है ए बी सी डी ए से जेड तक, 26। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग जान गए कि हमारी स्वर कितनी होती है, 5, व्यंजन कितना होता है, 21, कौन कौन स्वर होता है, ए ई आई ओ यू, उसके बाद जितना बचता है हमारा क्या होता है, व्यंजन। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा 1 से लेकर 5 तक कुछ हमारे मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे उनके क्या दिए गए हैं, चित्र दिए गए। तो चित्र को पहचान कर हमको ये पहचानना है कि ये क्या है, यानी कि इसकी अंग्रेजी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन इसकी पूरी इंग्लिश यानी कि नहीं लिखा गया है, इसमें कुछ ब्लैंक दिया गया है। ठीक है बच्चों, और जो ब्लैंक में फिल होगा यहाँ पे वो शब्द दिए गए हैं, यानी कि वो चीज़ दिया गया है। तो इसमें क्या फिल होगा, यहाँ पे वो चीज़ दिया गया है, आपको देख कर इसमें बनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बच्चों, तोता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरट। तो यहाँ पर क्या होगा पैरट की अंग्रेजी, PARROT। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी हमारा क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, चौथा नंबर यानी कि इसमें ओ होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्या है बच्चों, दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए क्या है, सेब है। तो यानी कि सेब का अंग्रेजी क्या होता है, APPLE। यहाँ पे कौन सा सही है, पहला, यानी कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ई। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, हाथी। अब हाथी के बगल क्या है, एलिफेंट। इसकी इंग्रेजी क्या होती है, एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ELEPHANT, यानी कि क्या सही होगा, दूसरा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, इंकपॉट। क्या है, इंकपॉट यानी कि स्याही का दवा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंकपॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5वां। तो यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों, आई। आपको समझ में आ रहा है, आगे देखिए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जग। जग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जग, यानी कि जग की अंग्रेजी क्या होती है, JUG। यहाँ पर क्या सही होगा, तीसरा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों, यू। इस तरह से बच्चों क्या करते हैं, हमने सभी चित्रों को देखकर उनकी अंग्रेजी को पूरा कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने जो चीज़ भरा है, ये हमारे जो हमने इसके अंदर भरा है, ये 5ों एक प्रकार के स्वर थे। जी हाँ बच्चों, क्या थे 5ों एक प्रकार के स्वर थे, क्या क्या थे, AEIOU। इस तरह से हमने क्या जान लिया, स्वर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको कुछ चित्र दिख रहा है और उसके बगल क्या दिख रहा है, उसके कुछ नाम दिख रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको इस चित्र को देखकर इसका मिलान करना है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे एक मिलान किया गया है डॉग का, डॉग का किसके साथ किया गया है, यहाँ पे उसकी मीनिंग लिखा गया है, यानी कि कुत्ते का किसके साथ किया गया, डॉग के, यानी कि उसी प्रकार हम और चित्र इसको देख कर क्या करेंगे, इसका मिलान करेंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है, भेड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, भेड़। भेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, शीप। क्या कहते हैं, शीप। तो यानी हमारा कौन सा होगा, ये वाला। तो चलिए चलते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचेंगे और कहाँ मिला देंगे, शीप के, कहाँ मिला देंगे, शीप। उसके बाद क्या दिखता है, अब यहाँ पे ये क्या है, बिल्ली। तो बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैट। तो क्या करेंगे हम, अब बिल्ली को कहाँ मिलाएंगे, कैट के पास। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, बकरी। बकरी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोट। तो क्या करेंगे, अब इसको हम कहाँ मिलाएंगे, इसके पास। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, गाय। गाय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, काऊ। तो हम कहाँ मिलाएंगे, काऊ के पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी का उसके साथ मैच कर दिया, यानी कि मिलान कर दिया, जिसका जो जिसको जो इंग्लिश में कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम आगे देख लेते हैं। अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ कलर्स दिए गए हैं और उसके बगल में क्या दिया गया है, उन कलर्स के नाम, यानी उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको कौन सा कलर दिख रहा है, लाल कलर का। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेड। तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ मिलाएंगे, रेड के पास। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला क्या है बच्चों, येल्लो। येल्लो को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यानी कि येल्लो, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पीला। तो पीला को अंग्रेजी क्या होता है, येल्लो। तो क्या हम मिलाएंगे इसमें, येल्लो के पास। ठीक है बच्चों,
आगे देख लेते हैं, ये हमारी कौन सी कलर है बच्चों? ब्लू, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू। और हिंदी क्या है इसका? नीला। तो इसको हम किस में मिलाएंगे? ब्लू के पास। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या दिख रहा है? हरा। हरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन। तो हम कहाँ मिलाएंगे? ग्रीन के पास। ठीक है बच्चों, अब हमको लास्ट में क्या दिख रहा है? संतरा कलर। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज। तो हम कहाँ मिलाएंगे इसको? ऑरेंज के पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने सभी कलर्स के उनके नाम के साथ मैच किया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने व्यंजन और वावेल, ठीक है बच्चों, यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में जाना कि यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। स्वर को छोड़कर बाकी हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं? 21। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोग